नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आप देख रहे हैं सूर्यादित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। मोदी नगर विधानसभा की भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर मंजू शिवाज का सीकरी कला में बबलू वशिष्ठ व सुरमेश प्रधान ने नेतृत्व में भव्य स्वागत हुआ। साथ ही ग्रामवासियों ने डॉक्टर मंजू शिवाज को भगवान परशुराम की मूर्ति देकर सम्मानित किया। सीकरी कला में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर मंजू शिवाज ने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास नीति पर चलकर आम जन को पूर्ण रूप से सुरक्षा दी है। इस मौके पर पंडित राम आश्रय शर्मा, नीरज त्यागी, भोजपुर ब्लॉक प्रमुख सुचेता सिंह, सुभाष सांगवान, बबलू वशिष्ठ, हैप्पी शर्मा, पंडित सुरमेश प्रधान, आशीष त्यागी, मनीष शर्मा, गौरव शर्मा, विवेक शर्मा और गांव के सैकड़ों ग्रामवासी मौजूद रहे। चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना शोर मचा लो, चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना शोर मचा लो, जीतेगी बीजेपी ही। आएंगे फिर योगी ही, आएंगे फिर योगी ही। फिर से आई है योगी जी, फिर से आई है योगी जी, फिर से आई है योगी जी, फिर से आई है योगी जी। बाउंड्री वाद में उनकी सोच कब्रिस्तान की है, हमारा सोच धामों के उन्नयन का है। इसके सिकरी माता के मंदिर का भी पुनरुद्धार हो गया। भ्रष्ट लुटेरे चोर माफिया दंगाई सब साफ हुए, दंगाई सब साफ हुए, दंगाई सब साफ हुए। जातिवाद परिवारवाद के चेहरे सभी अनाथ हुए, चेहरे सभी अनाथ हुए, चेहरे सभी अनाथ हुए। साजिश चाहे जितनी रच ले, साजिश चाहे ललकार होगी, फिर एक बार भाजपा की सरकार होगी। तो उसके लिए मैं पहले ही सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन योगी जी के काम में कोई कमी नहीं रही, ये मैं कहना चाहती हूँ। मैं तो भाई छोटी बहन हूँ और साधारण व्यक्ति हूँ। योगी जी तो कितने समय से, जब से वोटिंग राइट हुआ मुझे लगता है तभी से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। वो व्यक्ति है जो पूरे प्रदेश की बहनों को अपनी बहन मानते हैं, सारे बच्चों को अपना बच्चा मानते हैं। आपने उन्हें रोते हुए देखा है, सदन में रोते हुए देखा है। आपने उनको दिल से दुखी देखा है जब गोरखपुर में ब्रेन के जो बुखार होता है, इंसेफेलाइटिस, उससे बच्चे मर जाया करते थे। मैंने विधानसभा में उन्हें परेशान देखा है और जब उनके पास ताकत आई तो उन्होंने वो कर दिखाया कि आज गोरखपुर में बच्चे मरते नहीं है, बच्चे ठीक हो रहे हैं इस भयंकर बीमारी से। तो ऐसा उनका करुणा से भरा हुआ दिल है। और पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे जरूरी क्या है, हम सभी यहाँ बैठे हैं, कुछ बहुत अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ साधारण हैं, सब समाज के लोग यहाँ बैठे हैं, सभी ने मेरा सम्मान करा। हमें सबसे पहले कानून व्यवस्था ठीक चाहिए। एक मजदूर को क्या फर्क पड़ता है, क्या सरकार है क्या नहीं है, उसे तो रोज मजदूरी करनी, खाना कमाना। एक बड़े आदमी को क्या फर्क पड़ता है किसकी सरकार है, उसका काम तो हर सरकार में होता है। मध्यम वर्गीय भी अपना जीवन चलाता रहता है, लेकिन जब आए दिन सड़क पे लड़कियां छेड़ी जाती हैं, आए दिन लड़कों से लूटपाट होती है, आए दिन चेन खींची जाती है, मोबाइल छीने जाते हैं और लड़कियों के दुपट्टे छीने जाते हैं, तो हम सारे लोग, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हम परेशान हो जाते हैं। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हमें विश्वास दिलाए कि मेरे राज्य में कोई किसी के साथ अत्याचार नहीं होगा, और जो अत्याचार करेगा
चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी जाति धर्म का हो, उसको उचित एक्शन करा जाएगा। सभी हमारे नीरज जी और सभी सम्मानित बंधुवर, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभी को सादर प्रणाम। हाँ, पीछे रहिए, सबसे पहले गीता कारी मैं भगवान परशुराम जी की भी मूर्ति आपने दी। जब समाज में गड़बड़ हो जाती है तो ब्राह्मण ही दिशा और दशा बदलते हैं। आपने पुराने जमाने में देखा होगा, हमारे राजगुरु हुआ करते थे राजा के साथ। भाई राजा तो सारा जो भी लड़ाई झगड़ा और जो भी राज चलाना वो राजा का काम था, लेकिन उनको सलाहकार के रूप में, और वो धर्म के रास्ते से पथभ्रष्ट ना हो जाए, वो समाज के लिए कहीं ऐसा ना हो कुछ बुरा करने लगे, उसके लिए हमारे धर्मगुरु हुआ करते थे। और आज धर्मगुरु के रूप में इतने सारे आप लोग सभी बैठे हैं, मैं नमन करती हूँ आप सभी को। समय समय पे नकेल कसना, समय समय पे सलाह देना, और जो भी जनप्रतिनिधि हैं उन्हें अच्छी दिशा में काम करने के लिए कहना। दूसरे दलों की सभाओं में, अगर ये नारा लगते हुए कोई मुझे दिखा दे तो भारत माता के नारे लगा दे, वंदे मातरम कह दे, तो आप बता देना। तो ऐसे लोग साथियों, आने वाली 10 तारीख को ये राष्ट्रीय यज्ञ चल रहा है, और इस राष्ट्रीय यज्ञ में हम सबको अपनी आहुति देनी पड़ेगी, और आहुति कमल के फूल का बटन दबा के देनी पड़ेगी। कोई विकल्प है ही नहीं, ये कोई विकल्प नहीं हमारे पास। और मैं पूछना चाहता हूं आप ही लोगों से, क्या योगी जी का कोई विकल्प है हमारे प्रदेश में या पूरे देश में? हाथ ऊपर हवा में करके मुझे मुख्यमंत्री बनाना, और बहन डॉक्टर मंजू शिवाज को प्रचंड बहुमत से जिता करके विधानसभा में भेजना है आपको। ये संकल्प लेकर के जाएंगे आज हम यहाँ से। योगी आदित्यनाथ, मंजू शिवाज, जय माता की, जय। साथियों, ना बना लो, हम तो मना नहीं कर रहे। ऐसे ही भगवान तो सबके आराध्य है, राम जी तो सबके आराध्य है। अगर हमारे बच्चे आज अगर शादी में भी जाते हैं हम लोग, तो डीजे पे ये राम जी के गाने पे नाच गाना होता है, बच्चे डांस करते हैं, और बेढंगे फूहड़ गाने नहीं बज रहे। ये संस्कृति का परिवर्तन है कि नहीं है? तो हमें कैसी सरकार चाहिए कि हमारे वो पीछे वाले बच्चे मैडोना के गाने ना सुने और राम जी के गाने सुन के नाचें? ऐसी सरकार चाहिए ना? तो हमारे बच्चे अगर राम जी की धुन में थिरक रहे हैं तो क्यों दिक्कत है? ये तो धर्म और संस्कृति के साथ देश आगे बढ़ रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है। मैं बस यही कहना चाहूंगी आप सबसे कि बहुत सारे अपने स्थानीय स्तर पे कितने विकास नहीं करा जी, मंजू शिवाज ने विकास नहीं करा। अजी आई गई नहीं, आई गई में गड़बड़ हो सकती है, आप लोगों ने बुलाया नहीं, मेरी गलती नहीं है भाई। मैं तो आती थी, सोचती थी किस घर में बैठूं, भागती जागती थी। आपके सबको बुलाना है, देखो भाई गीता की गलती है जी, मेरी गलती नहीं है भाई साहब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब ये गलती गीता की भी और सुरमेश भाई साहब की भी सुधारी जाएगी, ठीक है? सबके घर, हर हर मोहल्ले में, हर व्यक्ति के आऊंगी। मुझे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। सजाती है काशी भी सजाती है, योद्धा भी सजाती है काशी भी सजाती है, मेरे श्याम कृपा कर दो, घन श्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, घन श्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहरा। भगवा है चोला जिनका बस राम की बात करे, भगवा है चोला जिनका बस राम की बात करे, हिंदू है हिंदू।
बस राम की बात करे, हिंदू है हिंदू हम बस राम की बात करे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं, बस इसीलिए योगी, बस इसीलिए योगी बंदे कमाल के हैं, इसीलिए योगी बंदे कमाल के हैं, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। हाँ योगी जी आए हैं, योगी ही आएंगे, योगी जी आए हैं, योगी ही आएंगे, संतों की नगरी को, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे। हाँ संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। हाँ आपको रूबरू कराएंगे हर चुनावी खबर से। हमारी खबरों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।